आज हमने इससे पहले एक मेडिकल स्टोर सील किया है। अभी उन्होंने डिस्क्लोजर दिया कि ये मेडिकल स्टोर आर के मेडिकल एजेंसी, ये बेसिकली वहाँ से मैं लेके आया हूँ दवाइयाँ, जिसके ब्याप पे उसके डिस्क्लोजर पे मैं आज यहाँ आया। यहाँ इनके पास कोई स्टॉक नहीं मिला, कोई दवाइयाँ नहीं मिली, मगर हमने यहाँ के रिकॉर्ड खंगाला तो 3 बिल मिले हमें इन दवाइयों के नशे में प्रयुक्त होने वाली। इन्होंने पर्चे रिकॉर्ड दिखाया, पर्चे रिकॉर्ड मिला है हमें, इन्होंने सेल रिकॉर्ड नहीं दिखाया कि हमने कहाँ कहाँ बेची है। तो इससे ये प्रूव होता है ये बेसिकली गलत तरीके से ये दवाइयाँ सेल कर रही है। तो अब इनको एक नोटिस दिया जाएगा, इसके भी आप अब हमने इसको दुकान को सील कर दिया है और इसके बाद इसको नोटिस दिया जाएगा, फिर आगे हमें कार्रवाई अमल में लाएंगे। लगातार कार्रवाई की जा रही है, वार्निंग क्या देना चाहेंगे? मैं वार्निंग यही है, देखो हमारे तो यही है कार्य, हम तो यही करते रहेंगे। अगर हमें गलत जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गलत आती है, नशा मिलता है, हम उसको सील करेंगे और आगामी कल सख्त से सख्त करेंगे। उसमें दो प्रकार की नशीली दवाइयाँ थी जो मिली थी, जिसके व्याप उसने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, फिर हमने सील कर दिया। उसी ने इसका डिस्क्लोजर दिया था कि इन्होंने हमें दवाई हमने भेजी दी हमें, उसके डिस्क्लोजर पे हम यहाँ आए थे। यहाँ पर भी ये ऐसी दवाई है जो फ़ायदा उठा रहे मेडिकल हॉल्स में, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो टेपेंडाडॉल और सिग्नेचर ये जो दवाइयाँ अभी लिस्टेड नहीं है शेड्यूल में, उसका फ़ायदा उठाकर ये यंग बच्चों को ये दी जा रही है ताकि उनको नशा, और इसमें बहुत इतनी डेंजरस है कि इसमें ओवरडोज से डेथ हो जाती है। तो इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है इसको चेक किया जा रहा है, केमिस्ट की दुकानें और जहाँ इनका मिसयूज हो रहा है उनको सील भी किया जा रहा है। बात मैसेज बड़ा क्लियर है कि ये बात छोड़ दे, ये इस तरह की दवाइयाँ उनको समझना चाहिए कि हमारे यूथ जो है, हमारे यंग लड़के मर रहे हैं और ये दो पैसे ऐसी नशीली दवाई या प्रतिबंधित दवाई बेच के कमाना चाहते हैं, तो ये शर्म की बात है और हम इनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं जो